उन्होंने कहा कि 1,70,000 कुल नौकरियों का आंकड़ा मेरे पास है और इसमें नियुक्ति के साथ प्रक्रियाधीन भी शामिल नौकरियां हैं, यानी जो अभी नियुक्ति नहीं दी गई है, जो प्रक्रियाधीन बीच में है। कुल मिलाकर 97,000 अभी तक नौकरियां दी जा चुकी है, लेकिन टोटल 1,70,000 नौकरियों का आंकड़ा सरकार के पास है, मुख्यमंत्री के पास। विपक्ष झूठ को सच की तरह बोल रहा है और कई बार कोर्ट में केस में भर्तियां रुकने का रिकॉर्ड बन गया है। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर अभी जो बेरोजगार हैं या तो सड़कों पर हैं या अपनी मांग पूरी करने की लगातार वो रीट को लेकर, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रीट की डेट क्लियर करें प्लीज। रीट को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, एएनएम जीएनएम 2013 वाली भर्ती को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है। और इसके अलावा JBVNL हेल्पर की भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं, रीट टेक्निकल और JBVNL एएनएम जीएनएम जो भर्ती नर्स वाली प्रक्रिया, इसको भी लेकर। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग, अगर मेरे साथ वो यूथ जुड़ा है जो नौकरियों को लेकर लगातार खुद ही संघर्ष कर रहा है या फिर आप लोगों ने किसी भर्ती को लेकर परीक्षाएं दी और आप अब तक क्लियर नहीं हुए, तो उसको भी मेंशन इसमें करें। मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें परिचालक भर्ती 2011 अभी अटकी हुई है, जिसमें 461 नियुक्ति प्रक्रिया भी बाकी है, 461 पद थे। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 का मसला है, जिसमें 10,029 भर्ती प्रक्रिया अभी तक लंबित पड़ी है। ये 10,029 पद हैं, आप सोचिए कि अगर यही भर्ती सिर्फ पूरी हो जाए तो अपने आप में बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी मिल जाएगी। एएनएम भर्ती 2013 का मामला, 6,719 नियुक्ति प्रक्रिया इसकी भी बाकी है, यानी इन दोनों को भर्तियों को मिला दे तो आप लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जीएनएम भर्ती 2013 जिनमें 4,514 नियुक्ति प्रक्रिया बाकी इसकी अभी भी है। आयुर्वेद भर्ती नर्सिंग भर्ती 2013 का ये मामला, जिसमें 1,005 भर्ती प्रक्रिया इसकी भी अभी लंबित चल रही है। विद्यालय सहायक भर्ती प्रक्रिया 2015 की है और ये सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें 33,456 पद थे। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित चल रहा है। इसके अलावा एसआई भर्ती, जिसको लेकर आज रिपोर्ट भी आई है, 511 भर्ती प्रक्रिया 2016 में निकाली गई थी पदों पर, 511 पदों पर जो अभी भी बाकी है, यानी 6-7 भर्तियों का रिकॉर्ड मेरे पास है। इसके अलावा RVVNL की भर्तियों को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, रीट को लेकर पूछ रहे हैं और मैं सबके कमेंट्स अगर पढ़ूं तो कई और भर्तियों को लेकर भी यहां से जानकारी मिल रही है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, बिल्कुल सही आपने कहा, और ठीक है, कुछ चीजें नहीं भी मिल रही हैं। टेक्नीशियन की भर्ती, रीट, RVVNL भर्ती, देखिए 3-4 भर्तियां जो आप, जो मुझसे मिस हो रही थी आप लोगों ने बता दिया है। फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल मैं वाकई में आज मेंशन करूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इसको शेयर करिए, ताकि इन भर्तियों को लेकर, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा हमने 97,000 नौकरियां दी हैं और 1,70,000 कुल नौकरियों का आंकड़ा अभी तक है, यानी 97,000 देने के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और कुल मिलाकर ये 1,70,000 के आसपास पहुंचता है, लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया अभी अटकी पड़ी